क्या ढूंढ रहे हो तुम? ये साला जीत है। क्यों भाई क्यों? ठीक है, जरूरत पड़ गई है? नहीं, ये हर बीमार के लिए जरूरी होती है ना। अच्छा ठीक है, ले जाओ ना तुम, सवाद आया तो ले जाओ। साला जीत मिलेगा नहीं पर कहीं से, असली वाला या नकली? असली वाला, एक नंबर सर जी, एक नंबर। क्या पहचान है तो इत्मीनान के साथ? कैसे पहचान है, टेस्ट करके बताओगे? ये आप जो कहेगा तो फिर आपको पता चलेगा ना। अच्छा आपने कहा है? पता चलता नहीं। हाँ ये 500 का नंबर। कारखाने का एड्रेस है जहाँ से आता है? कारखाने तो नहीं, ये तो पहाड़ों में मिलता है। गिलगित में पहाड़ों के ऊपर। अच्छा अब हम एक आ गए हैं ड्राई फ्रूट की शॉप पे, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ड्राई फ्रूट खाने का तरीका, मतलब फ्री में खाने का तरीका, किस तरह ड्राई फ्रूट आपने खाना है। ठीक है, तो अभी हम शॉप के अंदर जाते हैं और देखते हैं ज़रा, मतलब अगर स्वाद आए तो ड्राई फ्रूट लाजमी। सबसे पुरानी शॉप है ना आप लोगों की? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़रा थोड़ा सा बता दें किस रोड पर? ये हमारा मेन शॉप इंदौर शहर के अंदर है, न्यू रोड में। ठीक है, और ये तो अभी नया ब्रांच बनाया है, मदीन रोड की जगह से। ठीक है, सब ड्राई फ्रूट। तो इनके पास शहद वगैरह सारी ड्राई फ्रूट, दालें वगैरह सब मौजूद होते हैं। तो हम भी ज़रा टेस्ट करके देखते हैं। कागज़ भी बनाओ है मज़ेदार। भी आ रहा हूँ, आ रहा ये देखिए जो टॉफी शॉफी, ये क्या चीज़ है? ड्राई चेरी। डेकोरेशन या बच्चा कर दे ताले और ये बस दे रमजान में अदल तैयार है। तो खिला हुआ फ्रूट, और ये चना है, नोबल चना है, इसको कहते हैं। चने के ऊपर वो मीठा चढ़ा है। अच्छा हाँ ठीक है, कवरिंग की हुई। ये ब्लैक क्या है? और ये मिक्स चिक्की, ये चक आप इसको ले जाइए। ठीक है, मैं तेरे से कहा रही है क्या? वो गीला गीला रंग कर दो क्या? मजे का नहीं है वाला चीज़ बोला बस। चने के ऊपर चॉकलेट डाले, बिस्कुट डाले। क्या ढूंढ रहे हो तुम? ये साला जीत है। क्यों भाई क्यों? ठीक है, जरूरत पड़ गई है? नहीं, ये हर बीमार के लिए जरूरी होती है ना। अच्छा ठीक है, ले जाओ ना तुम, सवाद आया तो ले जाओ। साला जीत मिलेगा नहीं पर कहीं से, असली वाला या नकली? असली वाला, एक नंबर सर जी, एक नंबर। क्या पहचान है तो इत्मीनान के साथ? कैसे पहचान है, टेस्ट करके बताओगे? ये आप जो कहेगा तो फिर आपको पता चलेगा ना। अच्छा आपने कहा है? पता चलता नहीं। हाँ ये 500 का नंबर। कारखाने का एड्रेस है जहाँ से आता है? कारखाने तो नहीं, ये तो पहाड़ों में मिलता है। गिलगित में पहाड़ों के ऊपर। अच्छा लग भी से ये मसाले हमारा अच्छी तुरस के का ना 1977 से कायम शुरू है। केला होता है ना दा नया ड्राई फ्रूट और हर वीडियो पे सर मैं खिलाऊ। अंदर आ जाऊं मैं? चख सकता हूं ऐसे? मैं चखने के लिए अंदर आया हूं।
ये है काजू, राहुल जो अंगूर रस अंगूर शीरा के मिक्स करे इसको किलो कहते हैं। ये गिलगिटी ड्राई फ्रूट है, किलो गिलगिटी ड्राई फ्रूट को शुगर के शीरे में अंगूर के शीरे में और होता है अच्छा दब से किलो दे जिस तरह वो नहीं होती अंजीर उसका बनाया हुआ है ठीक है। इसको हम कंजालो टिकाला बोलते थे, इसको हम कंजालो टिकाला बोलते थे। ये क्या है? ये मूंगफली रेवड़ी है, हम इसको ये चेक करते हैं। सिलगोजा क्या हिसाब चल रहा है? सिलगोजा 6,500 किलो ना दे 500 रुपये। और ये एक कितने का है? किलो ना ये एक कितने का है? एक सिलगोजा तो पसंद है 6,500 ये अब भी मुनासिब रेट वरना ये मेरे ख्याल में 10,000 रुपये किलो तक पहुँच जाता है। 10,000 वाले फूल है ये तेल वाली रोटी। ये क्या चीज है? काजू किशमिश किशमिश चने हो गए, ये वो है इंजीर, इंजीर सुखड़ी या कुर्बानी है? कुर्बानी कुर्बानी 550 रुपये। मैं तो खाते हुए दिखा रहा हूँ आपको। चलो ये भी दिखाते हैं, बेसिकली अखरोट कागजी अखरोट हैं ठीक है यहाँ पे। इसको ना इसको हाथ से तोड़ सकते हैं आप। कागजी कौन सा है इसमें से? ये लेकिन हाथ से नहीं टूट रहा यार। अच्छा कोई ऐसा है जो हाथ से तोड़ के दिखा सकते है? नहीं मेरे हाथ से तो नहीं टूट रहा, तोड़ के दिखाओ चलेगा तो। अच्छा आए ये खाने में कैसा है वैसे? इसका जायका थोड़ा मुख्तलिफ है ना देसी से। देसी भी देसी पड़ा होगा वो सही है, देसी टूटता नहीं है, देसी टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता? आ जाओ हाथ से तोड़ के दिखाओगे। हाँ तोड़ हाथ से तोड़ के दिखाओ। ये चाइना से वाले अच्छे है ना? अच्छा इसकी जायका भी मीठा होता है। ये चाइना वाले? नहीं नहीं ये देसी है, चाइना से अच्छे है ना इसके। ये थोड़ा सा चरखा हो जाए गिरे भी सुपे देसा। आओ सुधा जब से वाले आए तो आप लोगों ने वाला छोड़ दिया, ऐसे ही नहीं ये साल वाले भी और ख़राब दाने में इसमें होते। ताज़े सारे ताज़े इनके अंदर जान ज़्यादा है, हमसे तो भाई नहीं टूटा हाथ से। ये ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाते हैं हम तो, कभी कभी खाते हैं भाई, बहुत महंगा है। अब डेली खाना ये वीडियो देखते हो? हाँ वीडियो देख कर ना यही महसूस करना कि मैं खा रहा हूँ, खुशी हो जाएगी पूरी।